नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। दूसरे चरण के चुनाव में बिहार में लगभग 5 सीटें ऐसी है जहां पे वोटिंग होना है। बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया, इन 5 सीटों पे दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। अब ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। आज उनकी जनसभा में काफी भीड़ भी उमड़ी थी, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है। हालांकि जेपी नड्डा भी आज भागलपुर में जनसभा कर रहे थे और खूब गरजे हैं, खूब बोले हैं, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि दूसरे चरण के चुनाव प्रचार से पीएम मोदी, देश का सबसे बड़ा चेहरा, दूर रहे हैं। हालांकि उन्होंने दूसरे चरण पे जो पूर्णिया का जो लोकसभा सीट है उसके लिए 16 अप्रैल को जब वो गया में आए थे तो उसी समय पूर्णिया का रंगभूमि मैदान में जाके चुनाव प्रचार किए थे, लेकिन उसके बाद से प्रथम चरण के चुनाव होने के बाद से दूसरे चरण जो चुनाव प्रचार तेज हुआ उसमें से पीएम मोदी एक बार भी इस सीट पे नहीं आए। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है ना, क्योंकि ये सवाल जायज है। पिछली बार भागलपुर में पीएम मोदी आए थे और चुनावी जनसभा किए थे। ऐसे में ये सवाल जायज है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है, क्योंकि तेजस्वी से अकेले लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मोदी नहीं आए। इस विशेष पेशकश में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, आपको क्या लग रहा है, दूसरा चरण का मतदान 26 को होना है और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, पीएम मोदी नहीं आए, कुछ बताइए सर। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से 26 को दूसरे फेज का चुनाव है, दूसरे चरण का मतदान होना है और आज जो है सो 24 तारीख है, 24 तारीख को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। जी अब जो है सो जो भी प्रत्याशी हैं, 5 लोकसभा क्षेत्र का जो सेकंड फेज में होना है, वह प्रत्याशी और उनके समर्थक डोर टू डोर जाकर के प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो वह सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं आए, देखिए, नरेंद्र मोदी सेकंड फेज के एक जो लोकसभा क्षेत्र है पूर्णिया, वहां पर वह पहले चरण के जब प्रचार प्रसार में आए थे तभी वह गया सुरक्षित सीट के लिए जो एनडीए फोल्ड में है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उम्मीदवार जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री के जब प्रचार के लिए आए थे उसी समय वह पूर्णिया भी गए थे। जी तो वह देखिए ये फर्स्ट फेज में ही पूर्णिया पूर्णिया को वह कवर कवर किया था नरेंद्र मोदी ने। यह बात सही है कि दूसरे फेज के लिए अन्य जो लोकसभा सीट है, जैसे बांका हो गया, भागलपुर हो गया, कटिहार हो गया, किशनगंज हो गया, जी इन सीटों पर वह भी नहीं आए नहीं आए हैं और अब आने की संभावना भी नहीं है। अब प्रचार बंद हो प्रसार गया। बंद हो गया है। जी तो ऐसे में यह एक बड़ा सवाल निश्चित रूप से बनता है, नंबर एक। और हम एक सर, यह सवाल इसलिए भी बनता है कि इन 5 लोकसभा सीटों पे जेडीयू का कैंडिडेट है। नहीं, ठीक है, पिछली बार जो प्रथम चरण में जो सर हुआ था उस पे हिंदुस्तानी आवाम का था, भाजपा का था और चिराग की पार्टी का था। 3 जगह पहुंचे थे प्रधानमंत्री, 4 में से, नहीं इस वो 5 में से सिर्फ एक पे आए हैं। उस बार जो है सो 2 जगह पर उनका जो है सो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, एक औरंगाबाद और एक जो है सो नवादा नवादा में, विवेक ठाकुर, विवेक ठाकुर और सुशील सिंह औरंगाबाद से लड़ रहे थे, वो ठीक है। जी तो वह देखिए आगाज उन्होंने कहाँ किया था, आगाज उन्होंने जमुई सुरक्षित पर किया था, जो उनके हनुमान माने जाते हैं, जो चिराग उनके पासवान, चिराग पासवान के बहनोई, वहां उन भारतीय लड़ रहे थे जमुई सुरक्षित सीट से। उस सीट पर जाकर के पहले उन्होंने प्रचार प्रसार वहीं से जी जनसभा को संबोधित किया था नरेंद्र मोदी, जी वह ठीक है। उसके बाद गया सुरक्षित गए, उसके बाद से वो पूर्णिया में प्रचार प्रसार किए, वहां पर चुनावी सभा में पूर्णिया में किए। पूर्णिया में देखिए पूर्णिया का जो इसलिए वो पहले पहले गए। हाँ पहले गए क्योंकि पूर्णिया में बहुत कसमकस लड़ाई है। राजेश रंजन और पप्पू यादव जो निर्दलीय लड़ रहे हैं और संतोष कुशवाहा जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं और बीमा भारती जो राष्ट्रीय जनता दल के जेडीयू से नीतीश कुमार की पार्टी से पाला बदल करके वो राजद में चली गई हैं। इसलिए पूर्णिया सीट पर बहुत कसमकसम, तो वो पहले चरण में ही वहां पर पूर्णिया में वह जो जो एक मैसेज देना होता है, एक संदेश देना होता है, वह निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ने वहां दे दिया। अब उसके बाद जो एनडीए फोल्ड में अन्य जो घटक दल हैं, अन्य जो जैसे चिराग पासवान हो गए, नीतीश कुमार हो गए, तमाम लोग वहां पर अपना जा करके चुनावी सभा करते हुए नजर आए और
वही नहीं, सब सीट पर जो है सो बांका में, भागलपुर में, कटिहार में, किशनगंज में, सब सारे जगहों पर बड़े नेता और नीतीश कुमार तो सब जगह जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, भागलपुर तक करते हैं। हाँ तो वो, लेकिन एक बात है, देखिए पिछली बार 2019 में जब नरेंद्र मोदी की जब नौ जगह मतलब नौ बार आए थे बिहार 2019 में, 11 जनसभाएं की थी, उसमें सर इसमें का एक सीट था भागलपुर, उसमें वो सभा किए थे, सभा किए थे, लेकिन इस बार भागलपुर नहीं आए। हाँ सर, इस पे थोड़ा सा सर विशेष रूप से आप बताइए सर, इसको आप कैसे देखते हैं? तो देखिए भागलपुर में इस बार नहीं आना और दूसरे चरण में ही भागलपुर में चुनाव होना है जी। तो ऐसे में भागलपुर में अजय मंडल जो जेडीयू के, देखिए एक बात और समझना पड़ेगा, जो बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया, इन जो है सो पांच सीट पर जो सेकंड फेज में चुनाव हो रहा है, इसमें से आप देखिएगा कि वहां बांका से भी जेडीयू के उम्मीदवार हैं, भागलपुर से भी जो है सो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, कटिहार भी जेडीयू, किशनगंज भी जेडीयू, पूर्णिया भी जेडीयू, सर पांचों सीट जेडीयू का है, इसीलिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि सिर्फ नीतीश कुमार ही लड़ रहे हैं, भाजपा का बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी सिर्फ एक जगह है। नहीं, वही कह रहे हैं कि इस बार पांचों सीट पर जो दूसरे चरण का चुनाव होना है, वह पांच सीट पर एनडीए फोल्ड से जदयू लड़ रही है, नीतीश कुमार की पार्टी लड़ रही है। तो ऐसे में इस यह दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार तो एड़ी चोटी एक किए हुए हैं जी इन पांचों सीटों पर, क्योंकि वहां उनको सीट निकालना है और नरेंद्र मोदी का ही संकल्प है 40-40, एनडीए का ही संकल्प है 40-40 बिहार में जीतना है। तो ऐसी परिस्थिति में पूरा दम ये लोग लगाए हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब देखिए उसके अलावा आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह कटिहार में कर चुके हैं, हाँ जेपी नड्डा भागलपुर में कर रहे हैं, राजनाथ सिंह भागलपुर में कर रहे हैं। तो भागलपुर का चुनाव समाप्त हो गया तो राजनाथ सिंह ने भी भागलपुर में कर लिया, भाजपा के बड़े नेता हैं, वो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में। जेपी नड्डा भी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी भागलपुर में किया, वह भी जो है जेपी नड्डा ने भी किया जेडीयू उम्मीदवार के पक्ष में। अमित शाह ने भी कटिहार में किया, वह भी दुलालचंद गोस्वामी के समर्थन में, वह भी जेडीयू के ही उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में देखिए यह तो सामूहिक संयुक्त रूप से प्रयास किया जाता है और संयुक्त रूप से ही प्रयास है कि एनडीए फोल्ड के तमाम जो कैंडिडेट हैं उनको हम जो सो विजयश्री दिलाएं। सर लोग तो पूछेंगे ना, बड़ा चेहरा मोदी है या फिर बड़ा चेहरा जेपी नड्डा है? नहीं नहीं देखिए सवाल नहीं, पूछेंगे लोग तो सवाल ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी के ही चुनाव चेहरे पर पूरे देश में चुनाव हो रहा है, इस बात को समझिए। एनडीए जो है सो नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही, क्योंकि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट वही हैं और ऐसे में उनको हैट्रिक भी लगाना है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो ऐसे में एनडीए ने स्पष्ट रूप से कर रखा है कि जो भी होगा वह मोदी के नाम पर ही वोट होगा, आप चाहे आप अलायंस पार्टनर कोई भी रहिए, मोदी का ही मैजिक, मोदी की ही गारंटी, मोदी का ही सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का आना फिर उनका प्रोग्राम है और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए हैं, तो ऐसे में वह बात नहीं है। लेकिन हाँ भागलपुर के बारे में सर एक बार विशेष डालिए कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं आए तो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अजीत शर्मा दमदार कैंडिडेट है सामने, बताइए सर। नहीं नहीं देखिए निश्चित रूप से अजीत शर्मा कांग्रेस के वहां पर उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से उम्मीदवार बने हैं, और जो अजीत शर्मा उस समाज से आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर, भूमिहार समाज से जी। तो इसलिए वहां पर तमाम जितना जो राजनीतिक तिकड़म होता है वह सारा तिकड़म एनडीए की ओर से वहां पर लगा दिया गया है, और खुद नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जदयू के वहां से अजय मंडल चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी बार लड़ रहे हैं जेडीयू से, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से वहां पर जो समीकरण साधने की कवायद हो रही है वो वहां पर ठीक ठाक समीकरण में लग रहा है। वहां पर देखिए लड़ाई तो कसम कस है कि अजय मंडल या फिर अजीत शर्मा के पास में अपने समाज का तो वोट है ही है, और प्लस मुसलमान यादव जो कॉम्बिनेशन की बात कही जाती है महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में, वह सीट MY, हाँ तो वह जो है सो वहां पर उनके साथ में है। इसलिए हम कह रहे हैं भागलपुर में इस बार बहुत जोरदार लड़ाई आपको दिखाई पड़ेगी, और नरेंद्र मोदी का नहीं है। हाँ नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पिछली बार आए थे भागलपुर, इस बार नहीं आए, यह कहीं ना कहीं वहां पर
जो नुकसान होगा एनडीए को, एनडीए को वहां पर थोड़ा सा वहां पर नुकसान, वहां पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी अजय मंडल के साथ में दिखाई पड़ता है वहां। इसलिए भागलपुर में वहां पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है अजय मंडल को अजीत शर्मा से कंपीट करने के लिए। और अजीत शर्मा की जो बिटिया है वह भी नेहा शर्मा ने वहां पर रोड शो भी किया, रोड शो किया है। इसलिए इस लिहाज से बहुत माने जोरदार इनकी अगर हम कहें कि पकड़ है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका ये कहना है सर कि एनडीए में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ सीटों पे अगर प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं तो उस पे असर पड़ेगा? निश्चित रूप से, देखिए प्रधानमंत्री का नहीं आना और आने से ही समीकरण जो है तो पूरा बदला बदला सा हो जाता है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर की सीट पर नहीं आना कहीं ना कहीं कुछ तो माने दिक्कत होगा, दिक्कत पड़ता है। भागलपुर है, भागलपुर से लगा हुआ इलाका है बांका, बांका लोकसभा, उसमें भी आपको जो जेपी यादव केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं सर, जयप्रकाश यादव है, गिरधारी यादव सर जेडीयू से वो सांसद बने हुए हैं निश्चित रूप से। तो वो जो है सो एक, लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है कि बुलू मंडल जो कभी आरजेडी में हुआ करते थे XMP, वह जो है सो भागलपुर में आ गए, वो इधर जेडीयू में शामिल हो गए हैं। तो यह एक बड़ी बात, हाँ बड़ी बात दिखाई पड़ रही है कि नीतीश कुमार पर विश्वास करते हुए वह आरजेडी का दामन छोड़ करके वह जो है सो इधर आ गए हैं जेडीयू में। तो यह एक समीकरण वहां भागलपुर बांका में वह दिखाई पड़ता है। और बांका में आपको वहां पर गिरधारी यादव जो सिटिंग, हाँ सिटिंग एमपी है, उन्हीं के ऊपर जेडीयू ने विश्वास जताया है। तो गिरधारी यादव बनाम जयप्रकाश यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, आरजेडी से प्रत्याशी हैं, उनसे लड़ाई वहां पर बहुत है। क्योंकि वहां पर देखिए वहां पर जादव का भी इलाका है, मैं राजपूत का भी इलाका है वहां, तो वो वहां पर राजपूत किधर टर्न लेते हैं, राजपूत किधर जाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बांका से पहले दिग्विजय सिंह जीता करते थे जो रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे, उनकी बेटी अभी भारतीय जनता पार्टी में है, उनकी पुत्री श्रेयसी सिंह, तो वह भी देखने वाली बात है कैसे वहां पर वो कौन सा वहां पर हिसाब किताब गणित लगता है कि जिससे कि जयप्रकाश यादव को वहां पर झटका लगेगा। लेकिन वहां पर लड़ाई दोनों यादव के उम्मीदवार होने से वहां पर लड़ाई बहुत कसमकस है बांका सीट पर। और भागलपुर में अगर यदि प्रधानमंत्री का दौरा होता तो भागलपुर से लगा हुआ इलाका है बांका, तो वह भी कवर अप करता, वह भी एक माने सर आप कह रहे हैं कि एक सीट पे नहीं आने से दो सीटों पे डेंट लग सकता है, मतलब नुकसान होता हुआ दिख रहा है? देखिए नुकसान होता हुआ अभी तो मैं कह लीजिए या फिर उसको कहिए कि उनके आने का जो प्रभाव पड़ता है नरेंद्र मोदी का, वह प्रभाव उतना नहीं दिखाई पड़ रहा है। लाख लोग रैली कर रहे हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री का स्वयं आना, स्वयं रैली को संबोधित करना और जनता के बीच माने बोलना, तो वह निश्चित रूप से भागलपुर और बांका दोनों को ही आपको प्रभावित करता, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हालांकि भाजपा ने मैंने कोई कोर कसर नहीं उठा रखा है, लेकिन बावजूद इसके वहां पर नरेंद्र मोदी का आना अहमियत रखता था उसमें कहीं। एक आखिरी सवाल सर, क्या चुनाव बाद प्रधानमंत्री का जेडीयू के उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करना है, ये मुद्दा बन सकता है क्या? गठबंधन सुरक्षित रह सकता है? एक नहीं, अनुमान का क्वेश्चन है। गठबंधन में कहीं कोई ये नहीं है, एनडीए गठबंधन पूरी एकदम मजबूती के साथ है बिहार में, क्या देश के अंदर, तो वह कोई इशू नहीं है। नहीं आने पर ही जो मैंने सवाल है कि वह जब नहीं आए तो वहां पर निश्चित रूप से वोट जो एक मजबूती के साथ उधर जाता वह नहीं दिखाई पड़ता। उसी तरह से कटिहार में है, कटिहार में देखिए, कटिहार में दुलालचंद गोस्वामी जेडीयू के सिटिंग एमपी हैं, उनका मुकाबला तारिक अनवर से है कांग्रेस के, बहुत टक्कर का मुकाबला तो वहां पर भी बहुत कड़ा आपको टक्कर हो रहा है। तो अशफाक करीम चूंकि लड़ने वाले थे वो आ गए हैं इधर, हाँ तो अशफाक करीम भी जेडीयू में आ गए हैं, तो वो वहां पर थोड़ा सा माने आपको दुलालचंद गोस्वामी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गए हैं तो उनके आने से अशफाक करीम के इधर, तो यह एक वहां पर थोड़ा सा येलो जोन में, अभी थोड़ा सा रेड जोन से येलो जोन में निकले, तो आपको मजबूत दिखाई पड़ता। अब चलिए किशनगंज, किशनगंज में फिर जो है तो कांग्रेस के जावेद से है, हाँ मोहम्मद जावेद तो सर मुकाबला त्रिकोणीय है, AIM से भी है, मास्टर मुजाहिद भी है, क्योंकि भाजपा का क्या है वहां पे जो 68% मास्टर मुजाहिद तो जेडीयू से है, नीतीश कुमार की पार्टी से है, और AIM से अख्तरुल ईमान है। मैं सर ये कह रहा हूँ कि 68% वहां पे मुस्लिम है, बिल्कुल जो बचे हुए हिंदू वोटर है वहां पे वो भाजपा के साथ जा रहे हैं, यानी एनडीए फोल्ड में जाएंगे, मास्टर मुजाहिद की तरफ जाएंगे। AIM वोट काट रही है, AIM का भी अपना प्रभाव, वो भी लड़ रहे हैं अख्तरुल ईमान,
मोहम्मद जावेद का अपना है, पिछले बार सर बहुत कम अंतर से तीनों प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला रहा था, तीन लाख इस बार भी इसी तरह का मुकाबला आपको दिखाई पड़ेगा। वैसा कुछ नहीं है कि कोई आदमी, किशनगंज देखिए मुस्लिम बहुल इलाका है तो वो कोई नहीं इसमें कह सकता है कि अभी जो है सो टेकन फॉर गारंटी की वही सीट कांग्रेस ही निकाल लेगी या जेडीयू ही निकाल लेगी या एआईएम ओवैसी की पार्टी। तो यहाँ पर बहुत ही माने दिलचस्प लड़ाई है तीनों के बीच, ट्रायंगुलर फाइट है यहाँ पर, इसलिए किशनगंज में कोई भी आकलन करना बहुत ही माने सटीक नहीं होगा अभी वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक पूर्णिया सीट पर तो भी हम लोग बात कर रहे थे, पूर्णिया सीट पर जैसे वहां पर देखिये पप्पू यादव हैं निर्दलीय और बीमा भारती आरजेडी से हैं और संतोष कुशवाहा सिटिंग एमपी है। तो यह यहाँ पर जो है सो यह जो लड़ाई है संतोष कुशवाहा वर्सेस पप्पू यादव, नहीं संतोष कुशवाहा वर्सेस पप्पू यादव नहीं है, पप्पू यादव वर्सेस संतोष कुशवाहा है यहाँ। और बीमा भारती उसमें ट्रेंगुलर बनाने की प्रयास में है, त्रिकोणीय बनाने की उसमें है, लेकिन लड़ाई में लाया जा रहा है उनको, ऐसा आप कह रहे हैं। देख निश्चित रूप से वहां लड़ाई पप्पू यादव से ही सभी की है, बीमा भारती कह लीजिए, संतोष कुशवाहा कर लीजिए, और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वहां पर तमाम विधायक और विधान पार्षद एड़ी चोटी का पसीना वहां पर लगा रहे हैं, तो वह देखा जा सकता है कि क्या उनकी सोच है और क्या वह सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे इस सीट को अपने पाले में। तो ये पूर्णिया जो है सो समझिए कि एक तरह से कहिए तो इंडिया ब्लॉक के लिए, महागठबंधन के लिए मोच की लड़ाई हो गई है जी। तो मोच की लड़ाई इनके लिए है कि किस तरह से इस सीट को बीमा भारती के पाले में लाया जाए या लिखा जाए। इसी तरह इसीलिए देखिए एक बीच में जो है सो जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा है तेजस्वी यादव इंडिया या फिर एनडीए, बिल्कुल मतलब उनको साफ साफ वो डर रहे हैं कि नहीं डर एक दिखे तेजस्वी यादव से, पप्पू यादव से सर काफी आगे निकल चुके हैं लड़ाई में, नहीं रोज हम लोग तो देख ही रहे हैं वहां पर वो उनको दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि एनडीए नहीं तो इंडिया, इंडिया नहीं तो एनडीए, यह इसीलिए तेजस्वी का यह बयान आया है। बयान आया उसके बाद से देखिए कहीं ना कहीं पप्पू यादव से एक राजनीतिक रूप से तो उन्होंने पछाड़ दिया है कि वो तमाम प्रयासों के बावजूद जो है सो पप्पू यादव को वो लोग राजनीतिक रूप से बैकफुट पर नहीं ढकेल सके, तो यह एक चिंता का विषय है उन लोगों के लिए। और पूर्णिया में ऑलरेडी नरेंद्र मोदी की रैली पहले ही फेज में मैंने हो चुकी है गया के साथ ही, तो वह भी कोई इफेक्ट करता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा, वह भी कोई वेव के जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी आए पूर्णिया तो उसके बाद से जो है सो पूरा समीकरण बदल दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो वहां पर इस बार जो है सो स्थानीय, हम देखिए बार बार एक चीज कहते रहे हैं कि पूर्णिया की लड़ाई इस बार वहां की जनता पप्पू यादव के लिए लड़ रही है, पप्पू यादव को नहीं लड़ रहे हैं, इस बात को एकदम समझ लेने की है। पूर्णिया की जनता ही इस बार जो मतदाता है वही जो है सो पप्पू यादव के लिए लड़ रही है, तो ऐसे में कहीं कोई वहां पर ये पप्पू यादव के लिए फाइट नाम की चीज नहीं है, पप्पू यादव से ही सबको फाइट है। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने अनुभव से इस मुद्दे को क्लियर किए, बहुत आसानी से आपने समझा दिया हमारे दर्शकों को कैसे इंडिया में तो सब कुछ ठीक है लेकिन नरेंद्र मोदी के नहीं आने से प्रभाव पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।